बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इंडिया जाने वालों के लिए बुरी खबर यह है कि इंडियन एम्बेसी ने जो अप्रूवल की शर्त लगाई है कि TCS और जेरीज यानी फेडेक्स में पासपोर्ट जमा कराने से पहले इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से अप्रूवल मंगानी होगी पासपोर्ट जमा कराने के लिए, वो अप्रूवल आ नहीं रही। तकरीबन 20-20 22-22 दिन हो गए हैं लोगों को अपने पासपोर्ट जमा कराने के लिए अप्रूवल मंगाने की ईमेल किए हुए, लेकिन इंडियन एम्बेसी कतई तौर पे किसी को भी अप्रूवल नहीं दे रही। लोग परेशान हैं, TCS और जेरीज वाले भी परेशान हैं कि वो पासपोर्ट जमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें सख्ती से मना किया गया है कि बग़ैर अप्रूवल के पासपोर्ट कतई तौर पर जमा ना करें, और इंडियन एम्बेसी किसी कीमत पे किसी की भी अप्रूवल नहीं भेज रही। हर किस्म के वीज़े के लिए अप्रूवल मंगाना लाजमी है और उसके लिए ईमेल करनी पड़ती है, जिसका जवाब नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वीज़ा देना बंद कर दिया है, अप्रूवल की आड़ में उन्होंने वीज़ा बंद कर दिया। ना वो अप्रूवल भेज रहे हैं, ना TCS जेरीज यानी फेडेक्स वाले पासपोर्ट जमा कर रहे हैं, और इस तरह ना वीज़ा आ रहे हैं। लोग परेशान है कि इसका क्या हल निकालें, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। अप्रूवल हर हालत में मंगानी पड़ेगी, उसके बगैर TCS और फेडेक्स में पासपोर्ट जमा नहीं होंगे। अगर इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद अप्रूवल को उनके इमरजेंसी देखने के लिए मजबूर है, या उनके पास टाइम नहीं है, या उनके पास अमला कम है, तो जिस तरह के दूसरे ममालिक यूरोपीय ममालिक अमरीका बरतानिया ऑस्ट्रेलिया और शेंजन वीज़े वाले ममालिक पासपोर्ट जमा करने के लिए अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उनके यहाँ, के अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अब वो चाहे 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट हो या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दे देते हैं, लोगों को तसल्ली हो जाती है कि इस तारीख को हमारे पासपोर्ट जमा हो जाएंगे। लोग बेफिक्र हो जाते हैं, इस तरह का टेंशन नहीं होता जिस तरह के ये अप्रूवल का हो रहा है कि लोगों के इंडियन जो इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तान आए हुए हैं उनके वीज़े ख़त्म होने वाले हैं और उनको अपने साथ या तो अपने बच्चों को ले जाना है या अपने शोहर को ले जाना है, वो परेशान है क्या करें, अप्रूवल ही नहीं आई। अगर अप्रूवल आ भी जाए तो पासपोर्ट फिर जमा होंगे तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इस प्रोसेस में 2 से 2.5-3 महीने तक इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद लेता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद को चाहिए कि इसका एक वाज़ह ऐलान करे कि भाई वीज़ा हमने बंद कर दिया है, वीज़ा नहीं दे रहे फ़िलहाल, या अप्रूवल लोगों का देना शुरू करें। 20-20 22-22 दिन हो गए लोगों को अप्रूवल और रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेज रहे हैं, हर घंटे भेज रहे हैं, हर घंटे में भेज रहे हैं, रोज़ाना भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ से बिल्कुल जुम्बिश नहीं हो रही, किसी की अप्रूवल नहीं आ रही है। तो इंडियन हाई कमीशन को इसका एक वाज़ा ऐलान कर देना चाहिए ताकि इंडिया जाने वाले परेशान होना छोड़ दें। वो इस मखमसे में है कि अप्रूवल आएगी, आज आएगी, कल आएगी, 1 हफ्ते बाद आएगी, लेकिन अप्रूवल बिल्कुल नहीं आ रही है। और इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद को चाहिए कि वो अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू कर दे, तारीखें दे दे लोगों को, लोग उनकी वेबसाइट पर जाके अपॉइंटमेंट ले लें, चाहे वो जनवरी का हो, फरवरी का हो, या दिसंबर के आखिर की तारीखों का हो, ताकि लोगों को मालूम हो कि हमें इस तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट के साथ जेरीज या TCS में जमा कराने हैं। हमें उम्मीद है कि इंडियन हाई कमीशन हमारी इस बात को ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अप्रूवल भेज नहीं रहे हैं। लोग बेचारे क्या करें, किस तरह पासपोर्ट जमा कराएं, लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी मुश्किलात को हल करें और इसका एक वाज़ह ऐलान करें कि या तो अप्रूवल भेजें या ऐलान करें कि हमने वीज़ा बंद कर दिया है, या फिर अपॉइंटमेंट सिस्टम को शुरू करें। ये थी हमारी आज की बातें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।